दिल्ली के कुदसिया घाट पर भारत केसरी दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल में आए देश भर से पहलवानों ने भाग लिया। दंगल को देखने के लिए नेता भी पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी दंगल देखने पहुंचे। अरुण सिंह ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि आजकल बहुत सारे सिख के पहलवान इकट्ठे होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं और मोदी जी उन्हें चुनाव में पटकन ही देंगे। आए हैं और जब भी कुश्ती के पहलवान का नाम आता है, चाहे दारा सिंह जी, चाहे सुशील जी, चाहे योगेश्वर का, जब भी उनका नाम ही लेते हैं तो थोड़ा शक्ति हम लोगों की 10-15% बढ़ जाती है। कुश्ती के पहलवानों के लिए विशेष रूप से, जिनमें के भुजाओं में ताकत होती है, जिनमें सौर परिक्रम होता है, जिनका ने कहा था पत्थर सी हो मांसपेशिया, पत्थर सी हो मांसपेशिया, लोहे से भुजंग अभय, लोहे से भुजंग अभय, नस नस में हो लहर आग सी, नस नस में हो लहर आग सी, तभी तो कुश्ती वाला धड़ाधड़ धड़ाधड़ पकड़ लेते हैं, तभी जवानी पाती जाए, जवानी तभी जय पाती है, ऐसा कुश्ती के पहलवानों के बारे में दिनकर जी ने कहा था। सत्य होता इतना बढ़िया, तो किसी भी जो खेल है, अगर सबसे अच्छा खेल में अगर समन्वय देखे, ताकत का भी, पराक्रम का भी, तत्परता का भी, एकाग्रता का भी, विज्ञान का भी, तो कुश्ती का ही है। मैं पप्पू पहलवान जी आपके टीम को ढेर सारे अभिनंदन करता हूँ, और जो आप मिलते हो तो मेरी थोड़ी ताकत बढ़ जाती है। बहुत धन्यवाद। तो मैं एक बात कहके और, क्योंकि राजनीतिक मंच तो है नहीं, इसलिए राजनीतिक बात मैं कहना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन खेल के लिए भी मोदी जी ने बहुत, खेल के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहन दे रहे हैं, और कई सिक्किया पहलवान, सिक्की पहलवान जो हम लोग गांव में पतला आता था ना, वो सिक्की पहलवान आ गया, दबी नहीं होता था, तो आजकल बहुत सारे सिक्की पहलवान होकर के, सिक्किया पहलवान होकर के वो लड़ाई लड़ रहे हैं नंबर एक के स्थान पे, लेकिन वो सब सिक्की पहलवान का जो दो चार पटकनी मोदी जी देंगे तो किनारे हो जाएंगे। इस दंगल का आयोजन गुरु हनुमान की याद में किया गया था। दंगल के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो पहलवानों के समर्थक आपस में भिड़ गए। एसपीएन नैनीजुरुम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।